शिवसेना का जो अखबार है उसका पोपट सामना, उसमें आज एक आर्टिकल छपा है जिसमें कहा है कि देश भर में बुरखे पे पाबंदी लगानी चाहिए, बुरखे को बैंड करना चाहिए, बुरखा अलाउड नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फिलहाल देश में चुनाव चल रहे हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एग्जिस्टेंस में है, तो इलेक्शन कमिश्नर को इस बात का नोट लेना चाहिए और पेपर सामना को और उनके चीफ उद्धव ठाकरे को इमीडिएटली नोटिस इशू होना चाहिए इस तरह के बेबुनियाद बयानबाजी के लिए। अब ये देखिए आए दिन इस तरह की बातें क्यों हो रही है, चार चरण हो गए चुनाव के, शिवसेना और भाजपा के अंदर एक घबराहट बौखलाहट है कि चारों चरण में देश की जनता ने इनको ठुकरा दिया, इनको उठा के फेंक दिया, पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है। और जब सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि आप चुनाव में इस तरह की बातें नहीं कर सकते तो क्या जरूरत है, तो मैं चाहूंगा कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और जिस तरह से दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को भी 72 घंटों का नोटिस दिया है, इनको भी नोटिस दिया जाए, इनके खिलाफ केस फाइल किया जाए इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा। और मैं कहना चाहता हूं कि हमारा फंडामेंटल राइट है, शिवसेना पड़ती नहीं है, सामना इंक्वायरी नहीं करता, इग्नोरेंट है, इनको पता नहीं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या है, राइट टू प्रिवेसी है, फंडामेंटल राइट है, मैं जो पहनना चाहूंगा मैं पहन सकता हूं, जो खाना चाहूंगा खाऊंगा, आप मुझे नहीं रोक सकते इस बात में। मगर ये सिर्फ और सिर्फ बौखलाहट में पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है, और चुनाव में जब इनकी पूरी नैया डूब गई है कोई मुद्दे नहीं बचे इस तरह की बेबुनियाद बातें करके लोगों का ये ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर नोट ले और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, यही फिलहाल मेरी मांग है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कॉमेंट करके